नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। मुरादाबाद में एसएसपी के निर्देश पर मादक पदार्थों के नशेड़ियों की तलाश में चला चेकिंग अभियान। थाना सिविल लाइन के इलाके में कॉलोनी के चारों रास्तों पर की गई चेकिंग। पुलिस को दूर से ही देखकर वापस लौटे नशेड़ी। इधर मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम हुआ आयोजित। महाविद्यालय के शिक्षक व प्राचार्य द्वारा लिखी गई पुस्तकों को विद्यार्थियों को किया गया समर्पित। प्रोफेसर एमपी पांडे ने कहा, पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए किया गया है प्रयास। इधर मुरादाबाद की रहने वाली डॉक्टर श्वेता पोठिया बनी सह जिला विद्यालय निरीक्षक बरेली, हुआ सम्मान। मुरादाबाद सांस्कृतिक समिति द्वारा 84 घंटा स्थित SBM इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोठेवाल डेंटल कॉलेज के निदेशक व समाज सेवी के मिश्रा एवं अन्य अतिथियों ने पहुंचकर डॉक्टर श्वेता पुठिया को दी बधाई। इधर किसानों के साथ लखीमपुर में घटित हुई घटना के विरोध में लखीमपुर जा रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता अम्बेडकर पार्क में चिलचिलाती धूम में बैठे धरने पर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जताया विरोध। इधर लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ घटित घटना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर वामपंथी दलों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। इधर मरवा जनपद के 12 परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षा अंक सुधार परीक्षा जारी। 4 अक्टूबर को हाईस्कूल की परीक्षाएं हुई संपन्न, विद्यार्थियों ने किया खुशी का इजहार। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने बताया, इंटर की परीक्षा 6 अक्टूबर को होगी संपन्न। इधर उत्तर प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में युवा मतदाता महोत्सव कार्यक्रम जारी। मुरादाबाद के कलेक्टर से निकाली गई मतदाता जागरूकता रथ सिटी मजिस्ट्रेट महेंद्र पाल सिंह एवं जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। शहर के स्कूली बच्चे भी रहे मौजूद। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर अनुज अग्रवाल ने बताया, जनपद के सभी स्थानों पर पहुंचकर मतदाता जागरूकता रथ जनता को करेगा जागरूक। इधर मुरादाबाद के अगमानपुर नगर पंचायत स्थित MK अकादमी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विद्यालय की प्रधानाचार्य नूरी खान द्वारा सभी बच्चों को किया जागरूक। परिवार में जाकर यह जानकारी जरूर बनवाएं अपना पहचान पत्र। अगमानपुर में स्कूली बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली, दिए जागरूकता के संदेश। इधर जिलाधिकारी के मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया। मुरादाबाद जनपद के मुंडापांडा थाना इलाके के टोल प्लाजा पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए थे। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जाम होने की सूचना पर जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। जिलाधिकारी मुरादाबाद सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा किसानों को समझा बुझा कर जाम को खुलवाया गया। इधर मुरादाबाद के अगवानपुर शेरवा चौराहे के पास तेज रफ्तार से आती कार के हुए ब्रेक फेल, कार में सवार 3 दोस्त हुए घायल। घायलों में एक DM कार्यालय पर संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर भी है। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। इधर लखीमपुर खीरी में हुई किसानों पर बर्बरता के विरोध में काशीपुर कांग्रेस ने भाजपा सरकार का कूका पुतला। मृतक किसान शहीदों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की व 2 मिनट का मौन रखा। इधर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ घटित घटना के विरोध में आम आदमी पार्टी की जिला इकाई ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। घटना की CBI जांच कराने एवं मृतक किसानों के परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने एवं दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किए जाने की उठाई मांग। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर में किसानों के साथ घटित हुई घटना के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल की महानगर इकाई में कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। इधर मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित प्राथमिक विद्यालय गांधी पार्क संसाधन केंद्र पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार द्वारा किया जा रहे कार्यों की जानकारी विद्यार्थियों को दी गई। खंड शिक्षा अधिकारी भानु प्रकाश ने कहा, बच्चों की यूनिफॉर्म जूते मोजे का पैसा सीधे अभिभावक के खाते में पहुंचेगा। इधर मुरादाबाद पहुंचे महाराष्ट्र के सपा अध्यक्ष अबू आसिम आजमी, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। इधर 5 अक्टूबर को पेंशन बहाली के लिए मोटरसाइकिल रैली को सफल बनाने हेतु मीटिंग का हुआ आयोजन। 4 अक्टूबर को कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच जनपद शाखा मुरादाबाद के बैनर तले सर्वेश कुमार सरवा जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में पेंशन बहाली हेतु आंदोलन में प्रांतीय आह्वान पर मोटरसाइकिल रैली को सफल बनाने के लिए आज गेट मीटिंगों का आयोजन कर कर्मचारियों को जागरूक किया गया।